दोस्तों नमस्कार, आज हम देखेंगे WDG4D WDP4D ड्यूल कैब लोको में कैब को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। कैब चेंज करते समय सबसे पहले हम एक्टिव कैब को इनएक्टिव करेंगे, उसके बाद में इनएक्टिव कैब को हम एक्टिव करेंगे। एक्टिव कैब का थ्रॉटल हैंडल यदि आपका नोचअप है तो आप उसको सेंट्रल पोजिशन पर लाइए, न्यूट्रल पोजिशन पर लाइए सबसे पहले। उसके बाद में रिवर्सल हैंडल को आप सेंट्रल पोजिशन में करके और बाहर निकाल लीजिए। रिवर्सल हैंडल को हम सेंट्रल पोजीशन पे करेंगे एक्टिव कैब के को और बाहर निकाल लेंगे। रिवर्सल हैंडल को बाहर निकाल के और इसको सुरक्षित रख, एक्टिव कैब को इनएक्टिव बनाते समय बीएल की को जो ऑन पोजीशन पे था उसको ऑफ पोजीशन पे करेंगे। A9 ऑटो ब्रेक हैंडल को फुल सर्विस FS पे लाके छोड़ेंगे। एक्टिव कैब को इनएक्टिव बनाते समय डायरेक्ट ब्रेक हैंडल को रिलीज कर देंगे। डायरेक्ट ब्रेक हैंडल को रिलीज की पोजीशन पे लाके छोड़ेंगे। एयर ब्रेक सेलेक्टर स्विच, लीडर ट्रायल स्विच, एलटी स्विच जो अभी एक्टिव कैब का लीड पर था उसको थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और लीड से ट्रायल पे कर देंगे। देखिए लीड से इसको ट्रायल पे कर दिया है एलटी स्विच को कैब को इनएक्टिव करते समय लीड से ट्रेल पर कर देंगे। सहायक लोको पायलट की साइड में ये तीन स्लाइड स्विच आपको दिखाई देंगे। जनरेटर फील्ड ब्रेकर के स्लाइड स्विच को नीचे की तरफ ऑफ कर देंगे। इंजन रन स्लाइड स्विच को भी ऑफ कर देंगे, नीचे की तरफ ऑफ कर दिया। ये आपको सहायक लोको पायलट की साइड में तीन स्लाइड स्विच दिखाई देंगे। जनरेटर फील्ड ब्रेकर को भी ऑफ कर देंगे। एक्टिव कैब को इनएक्टिव बनाते समय कैब फैन को भी ऑफ कर देंगे। मार्कर लाइट को भी बंद कर देंगे। हेडलाइट यदि जला रखी है तो उसको भी बंद कर देंगे। इनएक्टिव कैब को एक्टिव करते समय बीएल की ऑफ पे थी उसको ऑन की पोजीशन पे कर देंगे। आइसोलेशन स्विच पर आपको ध्यान देना है, दोनों ही कैबों का रनिंग पोजीशन पर रहेगा, रन की पोजीशन पर रहेगा। आइसोलेशन स्विच इस पे आप खास ध्यान रखें, दोनों ही कैबों का रन की पोजीशन पर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इलेक्टिव कैब को एक्टिव बनाते समय लीड एंड ट्रेल स्विच को ट्रेल से लीड पे करेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करें। और जो देखिए ये ट्रेल पे है इनएक्टिव कैब, लीड पे कर दिया, ये कैब एक्टिव हो गया। ऑटो ब्रेक A9 ब्रेक हैंडल जो FS पे था उसको हम रन की पोजीशन पे कर देंगे, रिलीज कर देंगे। देखिए प्रेशर बनना चालू हो गया है, BP का प्रेशर क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे जैसे हमने उसको रिलीज किया, रन की पोजीशन पे लाए। ऐसे ही आपने देखा BP का प्रेशर बनना चालू हो गया। डायरेक्ट ब्रेक SA9 को हम अप्लाई कर देते हैं यहां से, क्योंकि अभी हमने ऑटो ब्रेक हैंडल को ऑफ कर दिया। आइसोलेशन स्विच को आपको फिर से ध्यान दिला देता हूं, दोनों ही कैबों का रन की पोजीशन पर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सहायक लोको पायलट की साइड में जो स्लाइड स्विच यहां पे लगे हुए हैं, इंजन रन स्विच जो ऑफ था इसको ऑन कर देंगे। कैब को एक्टिव करते समय जनरेटर फील्ड ब्रेकर के स्लाइड स्विच को भी ऑफ से ऑन कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरेटर फील्ड ब्रेकर जो ऑफ है, कैब को एक्टिव बनाते समय जनरेटर फील्ड ब्रेकर को ऑन कर देंगे ऊपर की तरफ, जो अभी तक ऑफ था ये इनएक्टिव कैब था, अब हमने इसको एक्टिव कैब बनाया है तो जनरेटर फील्ड ब्रेकर को ऑन कर देंगे। रिवर्सल को लगाएंगे और प्रेशर पूरा हो गया है, निर्धारित दिशानुसार इसको डायरेक्शन देंगे और उसके बाद थ्रॉटल खोलेंगे। यदि आपने पूरा फॉलो किया है प्रोसेस को तो आपका पावर आपको मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो।